बजे 50 मिनट और आप आगे देवघर बस स्टैंड पे उतरते हैं और यहाँ से गुजरी बस चेंज करते हैं। हालत पूरी टाइट हो गई भाई साहब, बस का ट्रैवल बहुत टफ है। तो अभी अपन आगे दोबारा से देवघर बस स्टैंड पे और ही बस कुछ खाते पीते हैं, फिर यहाँ से भी सेकंड बस लेते हैं और निकलते हैं। भाई साहब यहाँ तो खुल होगी, बस है रात को 12 बजे, अभी बज रहे हैं 8:30, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने चेक किया ऑनलाइन, तो भाई एक ट्रेन है 9:00 9:30 10 बजे वो जसीडी से भागलपुर तक, फिर वहाँ से लोकल ले लूँगा मैं कहलगाँव के लिए। पहले चलते हैं स्टेशन यार, नहीं तो इतना वेट कौन करेगा। स्टेशन चलते हैं तो ट्रेन ही लेते हैं अपन। तो भाई ये ऑटो मिल गया जसीडी रेलवे स्टेशन तक के लिए। पीछे था एक ई रिक्शा वाला, वो भाई है उधर, उन्होंने बोला था भाई 100 रुपये लेंगे रिजर्व में और अपन यहाँ 20 रुपये में पहुँच जाएंगे मस्त स्टेशन। तो थोड़ा बचा के चलना पड़ता है, तो 20 रुपये में पहुँचते हैं फर्स्ट स्टेशन, फिर वहाँ से देखते हैं कितने की टिकट पड़ती है। तो जो टोटल अपना मेरा टिकट का खर्चा पड़ गया जी 200 रुपये पड़ गया मेरे को भागलपुर से देवघर, 70 रुपये मेरे को बासुकी नाथ और सेम वापसी का यहाँ तक का, और यहाँ से 20 रुपये लगेंगे मेरे को जसीडी रेलवे स्टेशन के। तो देखते हैं जी अपना कितना खर्चा पड़ता है और वहाँ से भागलपुर तक का क्या। 30 रुपये लगे मुझे कहलगाँव से भागलपुर, कैलकुलेशन बिठा लेना यार, अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। चलते हैं पहले स्टेशन। जय बजरंग बली, इंस्टेंट प्लान चेंज किया भाई साहब, दिमाग नहीं लगाता और स्टेशन के लिए नहीं सोचता ना तो यहीं फंसा रह जाता मैं पूरी रात। 12 बजे मिलती, पता नहीं 3-4 बजे पहुँचाती नहीं पहुँचाती, कुछ पक्का मिला था। और ऑटो मिला, स्टेशन निकलते भाई सबसे पहले। तो ये भाई साहब टेम्पो स्टैंड, टिकट का तो वो लिख रहा है, वो उधर मिलेगा क्या उधर। चलो भाई आप चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो भाई ये ले लिया अपने टिकट जसीडी से भागलपुर तक की, ये पड़ी अपने को 80 रुपये की, अब हिसाब लगा लेना भाई, और 20 रुपये ऑटो का यानी 100 रुपये मान के चलो। हाँ आप चल रहे हैं अब प्लेटफॉर्म की तरफ। तो भाई यहाँ चाय पिए और स्टेशन से यार बाहर आ गए थे, आपको असली स्टेशन दिखाते हैं अंदर ली साइड से। चलो जसीडी जंक्शन में आपका स्वागत है जी। ये भाई साहब स्टेशन, जसीडी स्टेशन के फ्रंट का व्यू है कुछ और ऑसम, ये देखो आप कितना अच्छा बना रखा है, वाह। चलो अभी अंदर चलते हैं, आधे पौने घंटे में अपनी ट्रेन है। तेरा 022 था आपका, भीड़ देखो भाई दबा के आए हैं। इंतजार कर रहे थे ट्रेन का, ये आई वो भी बिना डब्बों के ही लो लोग अपने साथ था यार ये नहीं भाई दूसरी है। साथ में ये जा रहे हैं ट्रेन में जी, आप चलेंगे दूसरी ट्रेन में जब अपनी आएगी। भैया ने, भैया घुस गए अंदर भाई, उन्होंने चाय चाय पिलाई, मज़ा आ गया। और थोड़ी ही देर में अपनी भी आ जाएगी ट्रेन, क्योंकि 9:44 हो चुके हैं, बस थोड़ी देर और वेट। और भाई साहब जर्नल में ही जाना है यार आज, इस बार तो लगता है जर्नल लेनी देनी कर देगा। चलिए कोई नहीं, वेट करते हैं। भीड़ के मामले में भाई यहाँ भी देखो दबा के भीड़ है। सवेरे जब मैं कहलगाँव से आया था भाई साहब भागलपुर के, उसमें दबा के भीड़ थी। चलो वेट करते हैं भाई अपनी वाली ट्रेन आ जाए। ये भाई साहब अपनी गाड़ी की अनाउंसमेंट हो रही है, आज जसीडी
चलो जी दो नंबर बैठ गया, पहले दो नंबर बजाना उधर। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के तो कमर की वाट लग गई। ये रहा दो नंबर प्लेटफॉर्म, इधर अपने वो उधर जाके खड़ा होना है। कहाँ आएगा अपना कोच जीएस, ये बिल्कुल स्टेशन के सामने खड़े हैं। जसड़ी, बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, दुबका, दुमका एवं बांका के लिए गाड़ी यहाँ से बदली है। भाई साहब बस वही पड़ी है यार, आगे हॉर्न कर रही है ट्रेन, बस आ ही रही है। अगर जर्नल में मिल गई जगह तो ठीक है, अदरवाइज यार इसी में घुस के फाइन दे देंगे, और क्या कर सकते हैं। जान छोटी जगह बंदा, एक तो वजन इतना उठा रखा है मैंने। चलो जी आगे फटाफट बैठते हैं, अब देखते हैं कुछ दिखा पाएंगे कि नहीं, क्या पता जनरल में थोड़ी सीट मिल जाए, उसके बाद ब्लॉग वगैरह ना कर पाए, ना दिखा पाए, बट एंड जरूर करेंगे भाई ब्लॉग का। चलो वेट करते हैं, ट्रेन आती ट्रेन दिखाते हैं। ठीक ठाक सी जगह मिल गई कि अपना बैठ सकते, अपना गुजारा सा हो जाए। और ये अपना जनरल कोच था, ये रहा जी जसीड़ी जंक्शन, और लाइट हो चुकी है, ग्रीन है। चलो जी अब चला जाए, अंदर चलते हैं, अंदर बैठते हैं चल के, देखते हैं भाई साहब। वैसे 3:15 पर उतारी अपने को, बट अगर लेट होगी तो क्या कहना, लेट तो लगी नहीं। फिर अपन निकाल लिए हेडफोन, और ये बैठ के एडिटिंग करेंगे मस्त, चार्जर भी लगाई हुई है पावर बैंक के साथ, खड़े खड़े एडिटिंग, बैठ के क्या करेंगे, खड़े खड़े एडिटिंग करेंगे। तो ट्रेन ने भी इस टाइम पर अपनी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ रखी है, मेरे अच्छी खासी रफ्तार है, बालों से मेरे पता लग रहा होगा जिस हिसाब से बाल उड़ रहे हैं। 80 रुपये की मस्त टिकट लिखी है, पर 80 रुपये की ट्रेन की टिकट मस्त ट्रैवल होगा भाई साहब। आता जो मैंने 200 रुपये खर्च किया था, 400 खर्चने वाला था बेवकूफ़ी करना था, उससे बचे और 80 रुपये मस्त बागलूर पहुँचेंगे, वहाँ से 30 रुपये में घर जाऊँगा, एंड काम होगा भाई साहब, पैसा बच गया सब। बस अब बस खड़े रहना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, रात वैसे भी जागी नहीं है, ऐसे भी सही ऐसे भी सही। भाई ये अपनी ट्रेन है रांची गोड्डा एक्सप्रेस, ये आउटर पे रुके थे, फरन किसका है पता नहीं किसका भाई। चलो निकला जाए अब, भाई अपन पहुंचे थे जमुई, जस्ट अभी हॉर्न हुआ, यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट होगा क्यूल। जो टाइम हो रहा था वो टाइम हो रहा है जी अपना, बहुत दूर चले गया, नियर अबाउट 11। भाई अपने को अगले के स्टेशन पर जाना है, तो हम फिलहाल क्यूल जंक्शन पर ट्रेन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम चल रही हैं ऑन टाइम, अगर लेट होगी तो 10-15 मिनट के चक्कर में जो 4 घंटे स्टेशन पर रुकने पड़ेंगे। सो ट्रेन चेंज करते हैं यार क्यूल जंक्शन से। ये है अपनी ट्रेन जिससे हम आए हैं, और अपन अब 6 नंबर बजा रहे हैं, वो जो दूसरी ट्रेन आ रही है जो अपने को कहलगांव लेके जाएगी। सो फटाफट वो ब्रिज है वहाँ पे ऊपर, वो क्रॉस करते हैं और चलते हैं। अपनी लगी थी आगे 2 नंबर पे, और अपन ने जाना है इसे पार करके 6 नंबर पे। वो खड़ी भाई रांची अपनी ट्रेन, और अपनी वो 6 नंबर पर दूसरी आएगी जो कहलगांव तक लेके जाएगी। सो यहाँ चलते हैं और अपना फटाफट ट्रेन का वेट करते हैं ताकि डायरेक्ट चले जाए, और यहाँ 15 मिनट के गैप में दोनों हैं यार, आगे 4 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा दूसरी ट्रेन के लिए। सो यहाँ वेट करते हैं, वो ट्रेन दिखाते हैं और फिर उसमें बैठते हैं, क्या पता कितना रश होगा यार। चलो जी ये भाई साहब क्यूल जंक्शन, ये 5 नंबर, इसके उधर 6 नंबर, अपने को उधर वेट करना है। ये आ गई भाई अपनी ट्रेन, जो अपने को सीधा डायरेक्ट कहलगांव तक लेके जाएगी,
देखते इसमें कितना रश है। वैसे रश इतना होगा नहीं, बट कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है भाई, कोई खास रश नहीं है। ओके ओके है। चलो भाई बैठते हैं और निकला जाए आगे की तरफ। भाई रात के बज गए 3 और ये आप पहुंच गए हैं सुल्तानगंज, इसके बाद भागलपुर और कहलगांव। बस ठंड भी बहुत हो रही है। 3:05 हो गए हैं जी। 3:11 पे हॉर्न भी मार दी और डिपार्चर हो गया 3:11। भाई फाइनली पार कर रहे हैं आप भागलपुर जंक्शन और अब नेक्स्ट स्टॉपेज होगा जो कि कहलगांव होगा। पूरी तरह फंस गए यार, 4 बज गए सवेरे के। भाई फाइनली वेलकम टू कहलगांव रेलवे स्टेशन, ये रहा स्टेशन और हम यहाँ पहुँचे हैं 4:35 पर। तो स्टेशन के बाहर चलता हूँ और यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं और तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जो वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लड़की जो कहाँ जाएगी? भैया छक्का स्टेशन की तरफ जाना रे, वहाँ जा।